बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 2.5 के लिए आज हम इंट्रोडक्शन वीडियो करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये आपने नहीं देखी तो आपके पास इसकी एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन जब तक आपके जहन में नहीं होगी आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन को रटना नहीं है कि क्वेश्चन में ये करना है तो भाई ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने कि क्या हो तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले 2.5 में टॉपिक गिवन है रॉ एंड कॉलम ऑपरेशंस। आपको रॉ और कॉलम के ऑपरेशंस बताए गए हैं, ठीक है। रॉ एंड कॉलम ऑपरेशंस आर वेरी यूजफुल इन मैनी एप्लीकेशंस एंड मैट्रिक्स थ्योरी, स्पेशली सॉल्विंग द होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब एक जैसी ना हो, ऐसी लीनियर इक्वेशंस में आपने रॉ और कॉलम्स के ऑपरेशन सीखने हैं। डिस्क्राइब द एलिमेंट्री रॉ एंड कॉलम ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। अब यहाँ पे बताए गए हैं आपको एलिमेंट्री रॉ और कॉलम्स के ऑपरेशंस। तो रॉ ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस क्या होंगे कि भाई एक मैट्रिक्स है, इफ़ ए इज एम एन मैट्रिक्स, एम बाय एन की मैट्रिक्स है ए, देन एम बाय एन मैट्रिक्स बी, और एक मैट्रिक्स है एम बाय एन की बी। ऑब्टेन फ्रॉम ए बाय परफॉर्मिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस ऑन ए इज कॉल्ड रॉ इक्विवेलेंट टू ए। अच्छा जी, अब आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि भाई आपने क्या करना है, आपको जो ए मैट्रिक्स दी हुई है ना उसमें आपने क्या करने, रॉ ऑपरेशंस करने, और रॉ ऑपरेशंस करने के बाद आपके पास वो मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, ठीक है। इस तरह से आपने करना है, सिम्बॉलिकली राइट बी इक्विवेलेंट टू ए, जो बी है वो इक्विवेलेंट है ए के, यानी कि आपके पास बी जो है वो इक्विवेलेंट है ए के, क्योंकि जो आपने ऑपरेशंस परफॉर्म किए होंगे रॉ ऑपरेशंस होंगे वो, ठीक है। आज जब रॉ ऑपरेशंस आपने अप्लाई किए होंगे तो उसकी मदद से वो इक्विवेलेंट हो जाएगी, यानी बी इज़ रॉ इक्विवेलेंट टू ए। बी इज़ रॉ इक्विवेलेंट टू ए का मतलब है कि इसमें रॉ ऑपरेशंस होने के बाद ही इक्विवेलेंट है ए के, तो बी रॉ इक्विवेलेंट है ए के। अब एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, अभी मैं एग्जांपल्स बुक में गिवन है वो आपको समझा देती हूँ। सिमिलरली वी कैन डिफाइन कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। अब कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिसेस भी होती हैं, जैसे रॉ इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैं तो उसमें होगा क्या, कॉलम ऑपरेशंस आप परफॉर्म करेंगे, दैट इज़ रिप्लेसिंग द वर्ड रॉ बाय कॉलम। अब आप यहाँ पर रॉ की जगह कॉलम यूज़ कर लें, बी इज़ कॉलम इक्विवेलेंट टू ए। अब क्या होगा, अगर आपने कॉलम ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं दो मैट्रिसेस को इक्वल बनाने के लिए, ठीक है, तो आप वहाँ लिखेंगे कि कॉलम इक्विवेलेंट है, ठीक है। इन अबव डेफिनेशन वी ऑल्सो राइट बी इक्विवेलेंट टू ए टू डिनोट बी इज़ कॉलम इक्विवेलेंट टू ए। अब आपको यहाँ पर एग्जांपल्स गिवन है जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी मेरी बात। देर आर थ्री एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस, तीन एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस होते हैं। फर्स्ट वन है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रॉज, दिस इज़ यूजली डिनोटेड बाई आर आई जे, विच मीन्स इंटरचेंजिंग ऑफ आर आई विथ आर जे। अब इसका क्या मतलब है, आपने आर वन टू लिखा, यानी इट मीन्स कि आपने आर वन को आर टू से क्या किया है, इंटरचेंज किया है। इस तरह से आप जो है ऑपरेशंस अपना लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए दो मैट्रिसेस हैं, थ्री टू वन, यानी आर टू जो है आपके पास आर वन है, तो आपने यहाँ पे इंटरचेंज कर लेंगे आर टू आर वन से, तो आपके पास ये मैट्रिसेस इक्विवेलेंट हो जाएंगी। तो रॉ ऑपरेशन परफॉर्म करने से आपकी मैट्रिसेस इक्विवेलेंट हो रही हैं, तो आप यहाँ पर ये लाइन जो मैंने अभी आपको बताई ये लाइन कहेंगे कि बी इज़ रॉ इक्विवेलेंट टू ए, क्लियर। सेकंड, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ रॉ बाय अ नॉन जीरो स्केलर, किसी भी नॉन जीरो स्केलर से आपने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिस को, ठीक है, किसी भी रॉ को। दिस इज़ यूजली डिनोटेड बाय के आर आई, जिसको हम के आर आई से लिखेंगे, विच मीन्स आर आई मल्टीप्लाइड बाई के। इसका मतलब है आर आई मल्टीप्लाई हो रही है के से, यानी आई जो शो करेगा वो रॉस को, नंबर ऑफ रॉस को शो करेगा, ठीक है। और अब जिस भी स्केलर से करेंगे उसे यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर 1 4 -3, यह है 2 8 -6। अब आर वन को क्या है, टू से, तो टू से कर लें, 2 1 2 2 2 4 2 4 8 2 3 6, तो सेम आ रहा है। इट मीन्स कि आपके पास कि आप रॉ जो है वो किसी भी एक रॉ को नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो दूसरी मैट्रिसेस के देन फिर क्या हो रही है, इक्विवेलेंट हो रही है, ठीक है। तो रॉ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो आप लाइन ये वाली बोल सकते हैं कि भाई क्या है आपके पास, बी इज़ नाउ इक्विवेलेंट टू ए, रॉ इक्विवेलेंट टू ए, ठीक है, क्योंकि रॉ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। देन थर्ड है एडिशन ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ वन रॉ, एडिशन करें किसी भी आपके पास मल्टीपल ऑफ वन रॉ, यानी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें एक रॉ को, फिर देन उसे दूसरी रॉ में ऐड करें, अनदर रॉ ऑफ अ मैट्रिक्स, दिस इज़ यूजली डिनोटेड बाई आर आई प्लस के आर जे, यानी एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से ऐड करें लेकिन किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद, विच मीन्स के आर जे इज़ एडेड टू आर आई, फॉर एग्जाम्पल 1 2 1
टू माइनस वन थ्री फोर फाइव सिक्स। देखिए दो फर्स्ट और थर्ड सेम है, आपने इसमें क्या किया है यहाँ पर देखिए भाई टू टू ज़ा फोर है, ठीक है। अब आपने क्या किया है यहाँ पर आर टू के अंदर आपने टू आर वन को ऐड किया है, आर टू से मल्टीप्लाई करें आर वन को, टू 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 वन ज़ा टू, तो इसमें ऐड किया फोर हो गया, टू टू ज़ा फोर, फोर में माइनस वन किया थ्री आ गया, टू वन ज़ा टू, टू में थ्री को ऐड किया फाइव आ गया। इट मीन्स कि आपने रॉ ऑपरेशन परफॉर्म किया, आपने किसी भी रॉ को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद किसी दूसरी रॉ में ऐड किया और फिर आपने मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट बनाया, तो ये भी आपके पास क्या कहलाएगा कि आपके पास बी इज़ रॉ इक्विवेलेंट टू ए, यानी इस मैट्रिक्स को हम ए कहें इसको बी, बी कहें इसको ए कहें, तो हम इस तरह से कह सकते हैं। इसी तरह से बिल्कुल कॉलम ऑपरेशंस भी हैं, कॉलम ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, इसकी एग्जांपल्स नहीं दी हुई, जस्ट आप इसी के हिंट से समझ लीजिए। थ्री एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस विद नोटेशंस आर गिवन एज बिलो, इंटरचेंज एनी टू कॉलम्स सी आई जे, सेम कॉलम को कोई इंटरचेंज कर ले सेम बनाने के लिए, तो आप यहाँ पर कहेंगे बी इज कॉलम इक्विवेलेंट टू ए। नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कॉलम बाय एनी नॉन जीरो स्केलर, अगर किसी भी आपके पास कॉलम को स्केलर से मल्टीप्लाई करना पड़े देन फिर इक्विवेलेंट बने, तो आपके पास आप कहेंगे भाई बी इज कॉलम इक्विवेलेंट टू ए, और यहाँ पे हम के क्या है स्केलर है और के सी आई कर सकते हैं, यानी किसी भी कॉलम को, आई मीन्स कोई भी कॉलम। नाउ अब है आपके पास एडिशन ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ एनी कॉलम, कि एडिशन करें हम किसी भी एक कॉलम की किसी भी क्या कहते हैं नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद टू अनदर कॉलम, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सी आई प्लस के सी जे, हम किसी भी कॉलम की स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन कराएं देन फिर उसे दूसरे कॉलम में ऐड कर दें, तो इससे भी हमारे पास मैट्रिक्स जैसे रॉ में है वैसे ही सेम कॉलम में है। वी आर सी आई सी जे आर ओनली एनी टू कॉलम्स एंड के इज एनी नॉन ज़ीरो स्केलर, के क्या है कोई भी नॉन ज़ीरो स्केलर हो सकता है, सेम यही एग्जाम्पल्स इसके लिए रखिए बट कॉलम्स के हिसाब से, ठीक है। बहुत ही सिंपल से ऑपरेशंस है। नाउ अब आपसे कह रहे हैं 2.52 डिफाइन इक्लॉन एंड रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इक्लॉन फॉर्म आपसे किसी क्यूज में भी पूछ सकते हैं, आपसे वैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई इक्लॉन फॉर्म में चेंज कीजिए, आगे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं उसे भी आपको मैं समझा दूंगी। अब इक्लॉन फॉर्म मैट्रिक्स की होती क्या है, तो देखिए भाई अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एम बाय एन, एक मैट्रिक्स ए है जो कि ऑर्डर है जिसका एम बाय एन, इज कॉल्ड रॉ इक्लॉन फॉर्म, हम इसे रॉ इक्लॉन फॉर्म कह सकते हैं इफ़ इट हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, अगर उसका फॉलोइंग स्ट्रक्चर हो, यानी हम उसे रॉ इक्लॉन फॉर्म कह सकते हैं कब कब उसमें जब इसमें ये कंडीशंस उसमें फुलफिल हो रही हो। द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन एनी रॉ इज़ वन, पहला जो आपके पास रॉ है उसमें जो पहली एंट्री है नॉन ज़ीरो वो वन हो, पहली एंट्री, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको समझा देती हूँ, यहाँ पे दी हुई भी हैं, पहले ये हम कंडीशंस पढ़ लें। दैट इज़ लीडिंग एंट्री, जो कि लीडिंग एंट्री हो, ऑल एंट्रीज बिलो द लीडिंग एंट्री मस्ट बी ज़ीरो, लीडिंग एंट्री के तमाम एंट्रीज जो है वो नीचे वाली ज़ीरो होनी चाहिए। एवरी नॉन ज़ीरो रॉ इन अ मैट्रिक्स, हर नॉन ज़ीरो रॉ, ठीक है, इन अ मैट्रिक्स प्रीसीड एवरी ज़ीरो रॉ इफ देयर इज एनी। अच्छा जी, अब मैं आपको बहुत अच्छे से एक एग्जांपल से समझाती थी, बुक में खैर गिवन है इसी में से। देखिए भाई पहली जो नॉन आपके पास यहाँ पर फर्स्ट रॉ में पहली एंट्री जो है वो, अब ये ज़ीरो है इसको रहने दीजिए, पहली एंट्री वन होनी चाहिए, लीडिंग एंट्री वन है, ठीक है। सेकंड रॉ में चेक कीजिए, पहली लीडिंग एंट्री वन है, ठीक है। थर्ड में कोई लीडिंग एंट्री वन है ही नहीं, ठीक है, इसे छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर आपके पास मैं बहुत आसान अल्फाजों में समझा देती हूँ कि भाई पहली जो लीडिंग एंट्री है ना वो वन होनी चाहिए, उससे पहले कितने ज़ीरोज़ हैं ये उस वक्त ज़रूरी नहीं है, फर्स्ट के लिए कितने ज़ीरोज़ हैं ये ज़रूरी नहीं है, बट सेकंड के लिए कंडीशन है, सेकंड में जितनी भी जो भी लीडिंग एंट्री है उसके नीचे ज़ीरो होना ज़रूरी है, ये पहली लीडिंग एंट्री है इसके नीचे ज़ीरो होना ज़रूरी है। यानी आसान अल्फाजों में कहें तो जितनी भी ज़ीरोज़ ऊपर वाली एंट्री में मौजूद है ना उससे ज़्यादा ज़ीरोज़ नीचे वाली एंट्री में मौजूद होने चाहिए, यहाँ एक है तो यहाँ दो या तीन होने चाहिए, ठीक है। तो यानी फर्स्ट जो आपके पास लीडिंग एंट्री है उसमें जितने भी ज़ीरोज़ हैं उससे ज़्यादा ज़ीरोज़ नीचे वाली एंट्री में होने चाहिए, और थर्ड एंट्री लास्ट एंट्री ज़ीरो हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यानी ये जो आपके पास लास्ट ज़ीरो वाली जो तमाम पूरी रॉ है ये दरमियान में नहीं आ सकती, ये लास्ट में आ सकती है, तब तो ये इक्लॉन फॉर्म है मैट्रिक्स की, ठीक है। सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, पहली आपके पास नॉन ज़ीरो जो है वो एंट्री होनी चाहिए, लीडिंग एंट्री वन है, सेकंड देखें चेक करें वन है,
थर्ड चेक करें, इसमें जीरो से वन है ही नहीं। तो भाई अब यहाँ चेक करें, वन जीरो है, यहाँ दो जीरो है, तो ये आपके पास इक्लॉन फॉर्म है, क्योंकि भाई पहले रॉ में अगर एक जीरो है तो दूसरी रॉ में से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, ये भी चेक करें, पहली रीडिंग एंट्री वन है, अब इसमें कोई जीरो नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। पहली वाली एंट्री में आपके पास एक जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट लीडिंग एंट्री वन होनी चाहिए। सेकंड चेक करें रॉ में, तो फर्स्ट लीडिंग एंट्री है, देखें रॉज ऐसे होती हैं, तो हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं, देखें, और यहाँ एक भी जीरो नहीं, यहाँ दो जीरोज़ हैं। अब इससे ज़्यादा हो सकता है, ये शर्त नहीं है कि एक ही ज़्यादा होना ज़रूरी है, ज़्यादा हो सकते हैं, यहाँ कोई भी नहीं था, यहाँ एक भी हो सकता था, यहाँ दो भी हो सकते हैं। ठीक है, पहली लीडिंग एंट्री वन है, थर्ड में चेक करें जीरो जीरो, इससे ज़्यादा इसमें होने चाहिए। अगर यहाँ पर लीडिंग एंट्री वन है, अगर तो पूरी रॉ जीरो है तो कोई मसला नहीं, अगर वन है लीडिंग एंट्री और बाकी तमाम जो है वो जीरोज हैं और इससे ज़्यादा हैं, तो ये भी इक्लॉन फॉर्म है। क्लियर, बहुत ही मैंने आपको आसान अल्फाजों में समझा दिया है। अब यहाँ देखें, ये क्यों नहीं है इक्लॉन फॉर्म, जीरो लीडिंग एंट्री वन है, जीरो लीडिंग एंट्री वन है, बट जीरोज़ बराबर है, इससे ज़्यादा होने चाहिए थे सेकंड रॉ में, नहीं है, तो इट मींस ये इक्लॉन फॉर्म नहीं है। ठीक है, बस इसकी वजह से। देन फिर यहाँ जीरो है, लीडिंग एंट्री वन है, फिर देखें दो जीरोज़ हैं, लीडिंग एंट्री वन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखें दो जीरोज़ हैं और लीडिंग एंट्री वन भी नहीं है, और इससे ज़्यादा भी जीरोज़ नहीं है, तो ये तो इक्लॉन फॉर्म बिल्कुल नहीं है। क्लियर, अब आ जाते हैं रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में। रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एम बाय एन इज कॉल्ड रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म इफ इट इज इन इक्लॉन फॉर्म। अच्छा जी, एडिशनली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉलम विच कंटेन लीडिंग एंट्री वन आर जीरो एक्सेप्ट दैट लीडिंग एंट्री। अब आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए सिंपल सा है, आपको एग्जाम्पल से मैं समझा देती हूँ, यहाँ पे भी बड़े आसानी से आपको समझ आ जाएगा। जीरो वन जीरो जीरो, ठीक है, आपके पास है यहाँ पर एन जीरो वन जीरो सिक्स जीरो जीरो वन जीरो 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 वन। अब यह आपके पास क्या है, एक जीरो है लीडिंग एंट्री वन है, दो जीरोज़ है लीडिंग एंट्री वन है, तीन जीरोज़ है लीडिंग एंट्री वन है, जीरो वन जीरो सिक्स जीरो वन वन थ्री लीडिंग एंट्री वन है, दो जीरोज़ यानी एक है या दो हैं लीडिंग एंट्री वन है, लास्ट वाली जीरो हो सकती है, ये रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म है। अब यहाँ देखें ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, यहाँ पर है आपके पास वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो थ्री टू फोर, फर्स्ट नॉन ज़ीरो जो है वो आपके पास लीडिंग एंट्री वन है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो लीडिंग एंट्री वन है, वन ज़ीरो है, दो ज़ीरोज़ हैं, अब यहाँ थ्री ज़ीरोज़ हैं बट लीडिंग एंट्री वन नहीं है, तो ये इक्लॉन फॉर्म आपके पास रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए वन टू ज़ीरो ज़ीरो थ्री, ये देखिए थ्री आ रहा है, लीडिंग एंट्री वन नहीं है, और बाकी तमाम जीरो हो सकते हैं बट लीडिंग एंट्री वन नहीं है, तो ये भी रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म नहीं है। ठीक, अब आपके पास है 2.5.3 रिड्यूस अ मैट्रिक्स टू इट्स इक्लॉन एंड रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म। अब आपसे कह रहे हैं रिड्यूस करें मैट्रिक्स को इक्लॉन और इसकी रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में, तो किस तरह से करेंगे। मेथड ऑफ रिड्यूसिंग अ मैट्रिक्स इन इक्लॉन फॉर्म इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल दी हुई, मैं आपको बुक से एक्सप्लेन कर देती हूँ, बहुत थोड़ी सी आपको लगेगी मुश्किल, बट इतनी कोई जो है वो मुश्किल बात नहीं है। अभी तक हम रॉ ऑपरेशंस कॉलम ऑपरेशंस करते आए, पीछे रिड्यूस करनी है हमने इस मैट्रिक्स को, ये आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, ये आपके पास है थ्री बाय फोर की, ठीक है, टू थ्री माइनस वन फोर, वन माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, थ्री माइनस वन थ्री टू, टू रॉ इक्लॉन फॉर्म। अब आपने इसमें रॉ इक्लॉन फॉर्म करनी है। अब रॉ इक्लॉन फॉर्म से आपको क्या समझ आ गया कि आपने रॉ ऑपरेशंस करने ओनली। अब आपने क्यों पढ़े थे रॉ ऑपरेशंस, समझ आ गए। अब हमने सिर्फ यहाँ पर रॉ ऑपरेशंस करने हैं। अब रॉ ऑपरेशंस आप तीन कर सकते हैं, आपको पता है, इंटरचेंज कर सकते हैं आप रॉस को, आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं रॉस को, आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रॉ में उसे ऐड भी कर सकते हैं। तीन ऑपरेशंस आप यहाँ पर रॉ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने मैट्रिक्स लिखी, अब मैट्रिक्स को हमें इक्लॉन फॉर्म में लेकर आना है। इट मीन्स कि आपने करना क्या होगा, जरा गौर से मैट्रिक्स को देखिए, हमें इसको वन बनाना है, ठीक है, हमें इसको ज़ीरो बनाना है, हमें इन दो को ज़ीरो बनाना है, ठीक है, हमें इसको वन बनाना है, इसको वन बनाना है और इसको वन बनाना है, क्योंकि हमारे पास, हमने पढ़ा कि हम क्या कर सकते हैं भाई, अगर हम इसे रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में लेकर आना है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, फर्स्ट नॉन ज़ीरो जो एंट्री है आपके पास वो वन होनी चाहिए लीडिंग एंट्री, सेकेंड रॉ में भी आपके पास उतने ज़ीरोज़ होने चाहिए जितनी आपके पास क्या कहते हैं ऊपर वाले जो आपके पास मैट्रिक्स है रॉ वन उसके अंदर जितने ज़ीरोज़ हैं सर ज़्यादा ज़ीरोज़ होने चाहिए। अगर उसमें एक भी ज़ीरो नहीं है तो इट मीन्स यहाँ पे एक तो हो मैक्सिमम, ठीक है। अब यहाँ देखें थर्ड में आपने
उससे ज़्यादा रखना है जितने सेकंड रॉ में जीरोज़ हैं, तो यहाँ एक जीरो तो यहाँ दो रखने हैं, तो इन तीनों को बनाना पड़ेगा वन और इन बाकी तीनों को बनाना पड़ेगा ज़ीरो। तो ये यहाँ पर अगर हमने कर लिया तो हमारे पास ये रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बन जाएगी मैट्रिक्स की, रॉ इक्लॉन फॉर्म बन जाएगी। तो भाई करना स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पर ऑलरेडी वन मौजूद है तो हमें पहला तो वन बनाना है। तो अगर हम इंटरचेंज कर लें रॉस को तो बड़ी आसानी के साथ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास वन बना सकते हैं पहले जो है वो आपके रॉ के पहले लीडिंग एलिमेंट को। तो हमने भाई इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, तो देखिए हमने क्या किया बाई आर वन टू, हमने इंटरचेंज किया आर वन को आर टू से, ठीक है। अब आपके पास ये तो वन हो गई, अब आपने क्या करना है, आपने इसको वन भी बनाना है और इसको ज़ीरो करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, अगर हम यहाँ से पूरी मैट्रिक्स से क्या करें सिंपल, आप अच्छा बुक में जो है वो ऑपरेशन जो है उन्हीं को देखते हुए चलते हैं, यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकते। अगर मैं एग्जांपल खुद करवा दी होती तो मे भी अपने हिसाब से करवा देती, चेंज कोई चीज़ हो सकती थी, ठीक है। देखिए वन एज इट इज़ है, माइनस वन एज इट इज़, माइनस टू, माइनस थ्री एज इट इज़। अब इसको ज़ीरो बनाना है तो हम क्या कर रहे हैं भाई, आर टू को क्या कर रहे हैं, अब हमें ये प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करते हुए काम करना है, ऐसा नहीं अपनी मर्ज़ी से भी कर दें, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इस पूरी रॉ वन को माइनस टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रॉ वन को माइनस टू से मल्टीप्लाई करके आर टू में ऐड भी कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप रफ़ में सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करके इधर लिख सकते हैं। आपने करना क्या है, आर टू में आपके पास देखिए, मैं एक आपको समझा देती हूँ फिर आप बाकी समझ जाएंगे। आर टू का पहला एलिमेंट है टू, तो आपने आर टू का एलिमेंट पहले रखना है, फिर प्लस, फिर माइनस टू आर वन है तो माइनस टू आर वन है वन, तो माइनस प्लस माइनस टू वन ज़ार टू, तो प्लस टू माइनस टू कैंसिल, ज़ीरो आ गया इस पोजिशन पर। अब इसके लिए करें थ्री एज इट इज़, माइनस आ जाएगी, चलें प्लस माइनस माइनस करके लिख लें, ठीक है। टू से मल्टीप्लाई करना है किसको, आर वन को, तो आर वन का एलिमेंट है आपके पास माइनस वन, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और टू वन ज़ा टू, टू से मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं ना आर वन को, तो ये हो जाएगा फाइव, तो ये आ गया फाइव, ठीक है। इसी तरह से बाकी तमाम करेंगे, ये आपने रफ में परफॉर्म करना है, तब यहाँ लिखना है, डायरेक्ट करेंगे तो हो सकता है मे बी कोई कन्फ्यूजन आप क्रिएट कर दें। देन फिर अगेन हम वही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जो हमने सेकंड आपके पास पढ़ा था, रॉ ऑपरेशन के आर थ्री में आपने क्या करना है, माइनस थ्री आर वन को करना है, डायरेक्ट करें, मतलब दो स्टेप्स को एक साथ करें, आप ये अलग अलग भी कर सकते हैं, आप ये करें देन फिर ये कर लें। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं भाई, आर थ्री का फर्स्ट एलिमेंट है आपके पास आर थ्री का थ्री, अब आपके पास वन से ही कर रहे हैं क्योंकि वन यहाँ वन है ना, तो वन से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ये माइनस थ्री वन ज़ा थ्री, तो माइनस का थ्री प्लस का थ्री ज़ीरो हो गया। हमने इन दोनों को ज़ीरो बनाने के लिए सारी मेहनत की, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अगर हम इसे फाइव से डिवाइड कर दें तो ये वन बन जाएगा, बाकी सब क्या होते हैं हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें जो परफॉर्म करना है जो मैंने आपको यहाँ समझाया वो हम करते हुए चलेंगे, बाकी तमाम को नहीं देखेंगे आपके फ्रैक्शन में आ रहा है क्या, आपके पास कैसा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, छोड़ दीजिए, आपको जो बस करना है आप उस पर फोकस रखिए। तो हम इसको वन बनाना है तो हम क्या करेंगे भाई, हम इसे फाइव से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ हमने फाइव से डिवाइड करी, ये वन हो गया सिंपल, और ये थ्री अपॉइंट फाइव हो गया, और ये था आपके पास टेंथ, ये हो गया आपके पास यहाँ पर सिंपल टू। अब बाकी एज इट इज़ रखें, ये आपके पास एज इट आ गया ज़ीरो टू नाइन अलेवन। अब आपने क्या करना है, ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, अब यहाँ ज़ीरो ले आएँ अगर आप, ठीक है, तो बड़ी आसानी के साथ आपके पास क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स आपके पास इक्लॉन फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ज़ीरो बनाना है तो हम सिंपल क्या करें, हम इसको टू से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, अगर हम इससे करें ना, ज़रा गौर से देखिएगा, इससे नहीं कर सकते, अब हम क्यों नहीं कर सकते इससे, देखें ये वन है, अगर हम इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो कोई ना कोई नंबर यहाँ आ जाएगा, तो हम इससे नहीं करेंगे, देख लीजिए बहुत ध्यान से, क्यों नहीं कर रहे, तो हम आर टू से करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे भाई, आर थ्री को हम जो भी आर थ्री में नंबर है उसमें आर टू को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे आर टू से, टू से मल्टीप्लाई करके, देखो टू वन ज़ा टू और आर वन आपके पास, सॉरी आर थ्री आपके पास है टू, आर टू को माइनस टू से मल्टीप्लाई किया तो टू वन ज़ा टू, टू से टू कैंसिल, ये हो गया ज़ीरो, ये हो गया आपके पास सिंपल ज़ीरो यहाँ से। बाकी सब क्या होते हैं इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बस कर करके सिंप्लीफाई आपने लिखते जाना है। अब देखें भाई, वन माइनस टू माइनस थ्री ज़ीरो वन, अब लीडिंग एंट्री चेक करें, वन है, इससे पहले कोई ज़ीरो नहीं है, यहाँ लीडिंग एंट्री वन है, इससे पहले एक ज़ीरो है, इससे तो ज़्यादा है। अब यहाँ देखें भाई, लीडिंग एंट्री वन है और उससे पहले इससे तो ज़्यादा ही ज़ीरोज़ हैं, इससे ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई, इट इज़ एन इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, इक्लॉन फॉर्म आ गई आपके पास गिवन मैट्रिक्स। आप सोचिए अगर आप, मैं आपको लिख के समझा दी कितना
टाइम यहाँ पे कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी एग्जांपल्स आपके पास बुक में हैं। आपके पास ये जो है इंट्रो वन आवर पे चला जाता है, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है बच्चों के लिए भी ना टाइम वो करना। तो मैं इसको जो है वो बुक से ही एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए और आपके जो है यहाँ पे क्यूरीज भी जो है वो सॉल्व हो जाए। अब रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स है, फाइंड द रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म क्या है भाई आपके पास? सिंपल, अब फ़र्क आपको आई थिंक मैंने बताया नहीं है, लेकिन रिड्यूस और इक्लॉन, जो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस है कि आपके पास अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपके पास इक्लॉन फॉर्म है, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म नहीं है। रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म वो कौन सी होगी जिसमें आपके पास, ये रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म की एग्जांपल थी, तो यहाँ पर आपको अगर आपने ये देखना है कि रिड्यूस है या इक्लॉन फॉर्म है, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म है या इक्लॉन फॉर्म है, तो आपने ये देखना होगा अगर ये जो आपके पास वन है लीडिंग एलिमेंट, इसके तमाम जो नीचे के एलिमेंट्स हैं या ऊपर के वो ज़ीरो होने चाहिए। अब यहाँ ऊपर तो कोई है ही नहीं, नीचे के ज़ीरोज़ हैं। अब यहाँ पर लीडिंग एलिमेंट वन है, इससे पहले सारे ज़ीरोज़ हैं, अब ऊपर भी और नीचे भी वन होना चाहिए। अगर ये आपके पास थर्ड है, ये आपके पास वन है लीडिंग एलिमेंट, तो इसके तमाम ऊपर के ज़ीरोज़ होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह से ये भी रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म है, क्योंकि देखिए वन है और तमाम ज़ीरोज़ हैं, यहाँ वन है ऊपर भी ज़ीरो नीचे भी ज़ीरो, और यहाँ वन है ही नहीं, अगर यहाँ वन होता तो ऊपर के ज़ीरो होने चाहिए थे। तो लास्ट रो को आप ज़ीरो 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 रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास थर्ड जो है वो हो सकती है इक्लॉन फॉर्म में या रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में थर्ड जो रॉ है वो ज़ीरो हो सकती है, ठीक है। तो ये था इसका डिफरेंस। अब यहाँ पर हम ये एग्जांपल में देखेंगे कि आपने रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बनानी है, इट मीन्स कि आपके पास अगर इसे आपने वन बनाना है तो इसके तमाम नीचे का एलिमेंट ज़ीरो बनाना है, ठीक है, ये तो बनाते ही हम। अगर ये आपके पास हमने वन बनाया तो ये भी ज़ीरो होना चाहिए, ये भी ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है, ये है रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म। और अगर हम इसे वन बनाते तो ये सब ज़ीरोज़ होने चाहिए, ठीक है। तो हम रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कौन सी फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं भाई? ये तो वन हो जाए, ठीक है, ये ज़ीरोज़ हो जाए, ये वन हो जाए, ये ज़ीरो हो जाए और ये ज़ीरो हो जाए, ठीक है। लेकिन हम इसे भी ज़ीरो बना लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर वाले वन बनाना आप अगर बना सकते हैं तो वो भी बना सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स ए। अब ये एक मैट्रिक्स ए है आपके पास, इसको हमने रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहले अगर आप देखें अपनी मैट्रिक्स को, तो थर्ड रॉ में पहला एलिमेंट वन है, तो जल्दी से आप आर वन थ्री कर दें, यानी आर थ्री को आर वन से आप एक्सचेंज कर दें। तो आर वन थ्री करेंगे हम, तो फर्स्ट रो आपके पास हो गया वन, सेकेंड भी हो गया वन, ठीक। अब वन तो ये हो गया, लेकिन इसको अब आपने छेड़ना नहीं है, इसको अब आप छेड़ेंगे ताकि आप इसको ज़ीरो बना सकें, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं भाई आर टू के अंदर फोर आर वन को ऐड, माइनस का फोर है, इसको फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये आपके पास प्लस का एक माइनस का फोर ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने बना लिया ज़ीरो ये करके। देन फिर आपके पास बाकी सारे एलिमेंट्स देखेंगे अभी हम, क्योंकि वो तो हम सॉल्व करेंगे तो हमें करने ही पड़ेंगे, बट उनको हम कुछ भी बन रहे हो उनसे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो हमारा मेन फोकस है ना कि ये जो है आपके पास वन बन जाए और ये जो है वो ये ज़ीरो हो जाए, ये ज़ीरो हो जाए और ये ज़ीरो हो जाए और ये भी ज़ीरो हो जाए, क्योंकि अगर ये वन बनाया तो ये ज़ीरोज़ बनाने पड़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो सबसे आसान है कि थर्ड रो को कम्प्लीटली ज़ीरो कर दें। अब ये ज़ीरो हो गया, अब इसको नहीं देखना अभी, क्योंकि जो भी यहाँ पर नंबर आ रहा होगा ना उसी नंबर से हम पूरी रॉ को डिवाइड करके उसको वन बना लेंगे बड़ी आसानी के साथ। हम ज़ीरोज़ बनाने पे फोकस रखते हैं। अब हम इसको ज़ीरो बनाएंगे तो आर वन को हम सिक्स से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। तो हमने यही किया, हमने यहाँ पर ज़ीरो बना लिया। अब ये नाइन है, ये भी नाइन है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या करना है, वन अपॉन नाइन से आर टू को पहले डिवाइड करें, तो ये तो वन बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर जो वन है उसके अंदर हमें इसको भी ज़ीरो बनाना है ना भाई, इसको भी तो ज़ीरो बनाना है ऊपर वाले को। तो हम कर रहे हैं यहाँ पर आर टू से, यानी कि आर टू को माइनस टू से मल्टीप्लाई और आर वन में कर रहे हैं ऐड, क्योंकि ये टू है, माइनस टू से कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ये कुछ भी हो जाए इससे अभी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अब हमने इसको वन बना लिया, अब इसको अगर हमें करना है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस वाली को आर टू को नाइन से मल्टीप्लाई करवा कर इसमें ऐड करवा रहे हैं, तो ये ज़ीरो हो गया। अब यहाँ नाइन से मल्टीप्लाई करवा के इसमें ऐड करवा रहे हैं तो आपके पास है यहाँ पर 26 अपॉन नाइन, और यहाँ 26 है, तो 26 अपॉन नाइन और नाइन अपॉन 26 एक दूसरे से प्लस माइनस हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और ये हो जाएगा यहाँ पे आपके पास सिंपल ज़ीरो सिंप्लीफाई करने के बाद। तो ये हो गई आपके पास रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म ए की। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से आपको समझ आते जाएंगे।
अब यहाँ पे है रिकॉग्नाइज द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आपने मैट्रिक्स के रैंक्स को जो है वो क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। अब द नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉज इन इक्लॉन फॉर्म रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब कह रहे हैं आपके पास जो नॉन जीरो रॉज है ना, आपके पास इक्लॉन फॉर्म हो या रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म हो, वो मैट्रिक्स का रैंक आपको बताती है, सिंपल। अब यहाँ पर देखें, टू नॉन जीरो रॉज हैं तो इस मैट्रिक्स का रैंक जो है वो टू होगा, बिकॉज देयर आर टू नॉन जीरो रॉज इन इक्लॉन फॉर्म। यहाँ देखें मैं, वन टू थ्री, थ्री नॉन जीरो रॉज हैं, कोई ना कोई एलिमेंट तो नॉन जीरो है ना, तो हैज़ थ्री, रैंक क्या है, थ्री, बिकॉज देयर आर थ्री नॉन जीरो रॉज इन रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म। रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में तीन जो हैं वो आपके पास क्या हैं, यहाँ पर रैंक है क्योंकि थ्री नॉन जीरो रॉज है। अब आपको नोट में कहा जा रहा है, इफ़ ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो, अगर ए डिटर्मिनेंट इक्वल ना आए जीरो के, देन रैंक ए, जो मैट्रिक्स ए होगा उसका रैंक होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही मैट्रिक्स का रैंक होगा, ठीक है। अब रैंक ऑफ ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो, ये कहते हैं आपसे कि रैंक जो है वो आपके पास क्या है भाई, ए मैट्रिक्स का हमेशा ज़ीरो से बड़ा और ज़ीरो के बराबर होगा, यानी ज़ीरो से छोटा नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता किसी भी मैट्रिक्स का जो है वो रैंक, ठीक है। रैंक ऑफ अ नॉन ज़ीरो रॉ और कॉलम मैट्रिक्स इज़ वन, किसी भी नॉन ज़ीरो जो है वो आपके पास रॉ और कॉलम मैट्रिक्स का जो है वो रैंक वन होगा, सिंपल। यूज़ रॉ ऑपरेशंस टू फाइंड द इन्वर्स एंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रॉ ऑपरेशन करते हुए आपने इन्वर्स फाइंड करना है और रैंक्स मैट्रिक का, रैंक मैट्रिक का फाइंड करना है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल दी हुई है सी के लिए, तो वो भी देख लेते हैं। लेट ए बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इफ़ द एप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन इन सक्सेशन रिड्यूस ए टू आई, देन सेम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन रिड्यूस आई टू ए इन्वर्स। अच्छा जी, अब आपसे क्या कह रहे हैं भाई, आपने करना क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ए, नॉन सिंगुलर क्यों, क्योंकि इन्वर्स पॉसिबल होगा, अगर ए इन्वर्स आपके, अगर मैट्रिक्स सिंगुलर होगी तो ए इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं होगा। इफ़ द एप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस, तो आपने करना क्या है, आपने ए टू आई देन द सेम सिक्वेंस ऑफ ऑपरेशन रिड्यूसिस आई टू ए। अब आपने ए टू आई करना है, सेम जो है वो आपके पास आई टू इन ए इन्वर्स आ जाएगा, यानी कि ये चीज़ आपने सॉल्व करते हुए जानी है और इसको आपने ए मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है आई मैट्रिक्स में। अब जब ये आई मैट्रिक्स बन जाएगी तो यहाँ जो मैट्रिक्स बनी होगी ना ए की जगह, वो ए इन्वर्स होगी। बहुत ही सिंपल सी बात है, मैं आपको फिर से समझाती हूँ। एक मैट्रिक्स है ए, उसका आपने आई मैट्रिक्स के साथ जो है वो सिंप्लीफिकेशन करनी है, और जो ऑपरेशन आप, जो ही सीक्वेंस आप कर रहे हैं ए मैट्रिक्स में, वही आपने आई मैट्रिक्स में भी करना है। क्यों, आपने करना क्या है, ए के साथ ए को आपने आई बनाना है, ए को आपने क्या बनाना है, आई, और आई की जगह जो बन जाएगा लास्ट में वो होगा ए इनवर्स, ठीक है। यानी ए आपके पास यहाँ है कि ए आई इक्वलेंट है आई ए इनवर्स के। फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए है, बाई यूजिंग रॉ ऑपरेशन। अब आपने रॉ ऑपरेशन यूज़ करने, सिर्फ और सिर्फ रॉ ऑपरेशन। ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, नॉन जो है वो 14 आया, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन ए इज़ नॉन सिंगुलर एंड इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। अब आप कह रहे हैं फाइंडिंग आई थ्री ऑन द राइट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। अब आप यहाँ पर आई थ्री ऐड कर रहे हैं, वी हैव, अब आपके पास ये हो जाएगी मैट्रिक्स और ये आई थ्री। अब आप जो यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो सेम एज इट आपने यहाँ पर भी अप्लाई करने हैं। आपने इसको बनाना है आई के इक्वल, यानी यहाँ वन डायगनल्स में और बाकी तमाम एलिमेंट्स आपके पास ज़ीरो होने चाहिए। नाउ ए आई थ्री, अब आप कर रहे हैं यहाँ पर है वन, यहाँ पर आपके पास टू फाइव माइनस वन थ्री फोर टू और वन टू थ्री। अब ये वन है, आप ऊपर वन ले जाएंगे क्योंकि आपको यहाँ वन चाहिए, तो आप आर वन थ्री कर रहे हैं, तो ये हो गया एक्सचेंज, इंटरचेंज हो गई रॉस, तो ये हो गया वन आ गया यहाँ, ठीक। देन अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ज़ीरो बनाना है, तो ज़ीरो बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स को थ्री से मल्टीप्लाई कराएंगे और आपने आर टू में ऐड करना है, इस मैट्रिक्स को आपने टू से मल्टीप्लाई करना है, आर थ्री में ऐड कर देना है। यही ऑपरेशन आपने यहाँ पर फॉर्म लिखना भी है जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, यही सेम काम आपने यहाँ भी करते हुए जाना है। अब आपने जहाँ पर जब आर वन थ्री की थी तो देखें आर थ्री और आर वन को इंटरचेंज कर दिया, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करवाना है आर वन को और ऐड करा देना है किस में, आर टू में, फिर माइनस टू से मल्टीप्लाई करवाना है यहाँ पर आर वन को और ऐड करवा देना है किस में, आर थ्री में। तो यही सेम ऑपरेशन आप यहाँ भी परफॉर्म करेंगे लाजमी, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये आई तो बन जाएगी, ये इन्वर्स नहीं बनेगा।
नाउ अब देखें 1, 2 - 2, 0, 1 - 4। अब आपने इसको सिम्प्लीफाई कर लिया, अब आपने इसमें किया क्या, ये हो गया आपके पास। अब आप देखें तो इसको 1 बनाना है तो आप 1/-2 से डिवाइड करते हैं तो ये 1 बन जाएगा। 1/-2 से इसको करें, इसको अभी हमें 0 बनाना है, अभी हमें इसको इस वक्त नहीं देखेंगे, हम इसको 1 बनाने पे फोकस रखेंगे। 1 बन गया, फिर हम यहाँ देखेंगे आपके पास कि हमें नेक्स्ट में इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाना है, आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवा देना है आपने किससे, आपने करना है भाई R2 को मल्टीप्लाई, ये 1 हो गया, आपने R2 को मल्टीप्लाई करवा देना है सिंपल माइनस से और यहाँ पे ऐड कर देना है, तो ये 1-1 हो जाएगा 0, ये भी सिंप्लीफाई होता हुआ चला जाएगा। तो इसी तरह से आपने तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखे कम्प्लीटली से बना देना है ये 1-1-1 बाकी तमाम 0। यहाँ पर अब जो आ गई होगी सिंप्लीफाई करने के बाद, इसको बनाने की वजह से ये जो आई होगी, ये आपके पास सिंपली ए इनवर्स है। ठीक, इस तरह से आपने इनवर्स फाइंड करना है, किसके कौन सा मेथड है ये, आपने इनवर्स फाइंड करना है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स मेथड के थ्रू। नाउ एग्जांपल 2 में फाइंड द रैंक ऑफ अ रैंक ऑफ ए बाय रिड्यूसिंग इट इन टू इक्लॉन फॉर्म। आप इसे इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करके इसका रैंक फाइंड आउट करेंगे। अब आपने उसी तरह से करना है, रॉ ऑपरेशन यूज़ करते हुए आपने यहाँ पर जो है वो क्या किया, इसको इक्लॉन फॉर्म में चेंज किया। ठीक है, ये आ गई इक्लॉन फॉर्म में। अब इसका ऑर्डर आपने बताना है, तो हमने रैंक बताना है, रैंक आप बताएंगे तो ये 0 है, इसको भूल जाएंगे। तो इसका ऑर्डर आपके पास क्या आएगा, 2 नॉन जीरो रॉज है ना, तो इसका ऑर्डर आएगा आपके पास 2। इस तरह से आपने बताना है। फिर इसी तरह से एग्जांपल 3 फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स से ए मैट्रिक्स का रैंक बताना है। ठीक है, तो आप इसे क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे इक्लॉन फॉर्म में। अब आपने इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस किया तो लास्ट वाली आपने 0 बना ली, से क्या होगा आपके पास, आप जिस तरह बना सकते हैं बना लें, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, जब 2 नॉन जीरो रॉज होंगी तो ऑर्डर होगा 2। ठीक, अब ये थी आपके पास कंप्लीट एक्सरसाइज का, मैंने पूरा यहाँ से आपको जो है वो एक्सप्लेन किया। आई होप आपको समझ में आई होंगी, इक्लॉन फॉर्म, रैंक फाइंड करना, इनवर्स फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ जो है वो I3 या यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, अब है आपके पास एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में आपके पास जो है वो जस्ट 4 क्वेश्चंस मौजूद हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर अप्रिशिएट किया कीजिए। अगर आप चाहते हैं एग्जाम्पल्स को भी लिख के जो है वो समझाया जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जितनी ज़्यादा जिस चीज़ की रिक्वेस्ट आएगी उसको मैं जो है वो फॉलो करूँगी, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो है वो वीडियो जाती है। अगर बच्चे वीडियो उनको जो है वो फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई वीडियो लंबी है तो, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं तो मैं उनकी बात को जो है वो इम्पॉर्टेंस दूंगी कि भाई वो चाहते हैं कि मैं रिटन वर्क में जो एग्जांपल्स को समझाऊं जैसे पहले समझाती थी तो उसी तरह समझा दूंगी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है इस वजह से, क्योंकि हम क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही रहे हैं। हमारा जब बेसिक पॉइंट क्लियर हो गया, यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्वेश्चन है क्या, करना क्या है, तो उससे आपको जो है वो समझ आ जाता है, तो वो भी ठीक है। ज़रूर अपनी जो है वो सजेशंस अपने और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ज़रूर जो है ना बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैं कोशिश करती हूँ कि कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रीड करूँ, फिर भी कोई कमेंट रह जाता है तो बहुत माजरत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।